सर अखंडा मूवी कैसी लगी? इंटरेस्टिंग फिल्म थी सर, मजा आया कहीं ना कहीं मैं ऐसा कहूंगा। देखिए बहुत गजब भी नहीं बोलूंगा लेकिन मुझे तो मजा आया, फिल्म के अंदर एंटरटेनिंग रही काफी ज्यादा। कई सारी चीजें तो थोड़ी सी डिफरेंट थी, मतलब वो टिपिकल साउथ इंडियन फिल्में जो देखने को मिलती है वैसी नहीं है, थोड़ी सी अलग प्रकार की है। देखिए फिल्म के अंदर जो बताया तो एक गाँव के आसपास का बताया, और मतलब एक जंगल के अंदर आसपास, मतलब गाँव है पास में और फिर जंगल है, तो वहाँ पर क्या है कि वो कॉपर की खेती होती है। कॉपर आप लोगों को मालूम होगा, कॉपर जो होता है उसकी वहाँ पर वो खदान है, सॉरी खेती बोल रहा हूँ मैं, खदान है वहाँ पर, खदान वदान रहती है और वो सारी चीज़ें कॉपर वगैरह। लेकिन बाद में कुछ हमें कहानी आगे बढ़ती है तो मालूम चलता है। देखिए मैं ज़्यादा स्पॉलर नहीं दूंगा, थोड़ा सा ही बता रहा हूँ तो इतना तो बताना बनता है। और वैसे भी फिल्म ऑलरेडी पहली रिलीज हो चुकी है, हिंदी में तो अब रिलीज़ हो रही है, लेकिन मैंने अभी देखी, मैंने साउथ वाली फिल्म नहीं देखी थी साउथ लैंग्वेज में, तो हिंदी में फिल्म पसंद आई मुझे, अच्छी लगी। तो वो जहाँ पर वो कॉपर की खेती हो रही होती है ना, वहाँ पर क्या होता, वो कॉपर की जो खदान चल रही होती है उसके अंदर फिर देखने को मिलता है कि वहाँ वो है ही नहीं, वहाँ यूरेनियम का वो हो रहा है, यूरेनियम या वाइब्रेनियम, मेरे ख्याल से यूरेनियम था वो हो रहा है, क्योंकि परमाणु में इस्तेमाल होता है, परमाणु बम बनाने में उसका इस्तेमाल होता है काफ़ी ज़्यादा, तो वो हो रहा है। लेकिन उससे जो उसकी वो लोग वो कर रहे हैं खोज और उन चीज़ों में, तो वहाँ से उससे यूरेनियम की रेडिएशन निकल रही है, उसकी वजह से ना क्या गाँव में जो आसपास लोग रह रहे हैं ना वो बीमार पड़ रहे हैं, रेडिएशन से सीधी सी बात उनको फर्क पड़ेगा। तो वहाँ के वो अस्पताल में भर्ती होते हैं, बार बार लोग मर रहे हैं, आपने वो ट्रेलर वगैरह में भी सीन देखा होगा अस्पताल वाला, तो वो अस्पताल में लोग मर रहे हैं वो रहे, तो वहाँ पर वो जो डॉक्टर है उसको मालूम चल जाता है, मुरली रहता है मेरे ख्याल से उसका नाम कुछ, तो वो रहता है, वो आता है, फिर वो देखता है कि सब, तो वो इनकी एक तरह से पोल खोलने लगता है। लेकिन इनके पास एक बाबा वाबा कोई रहता है तो वो एकदम इसका पूरा गेम बजा देता है, सब गायब वायब कर देता, पूरी तरह मतलब अलग ही रहता है वो। लेकिन फिर अखंडा की एंट्री होती है और वो फिर वो आता है त्रिशूल के साथ, फिर जो मास एक्शन वगैरह देखने को मिलता है, मज़ा आ जाता है देख के, ज़बरदस्त मिलता है, मतलब कहानी ज़्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा। फिर वो आता है लेकिन वो इनके अगेंस्ट, अखंडा अकेला इतने सारे लोगों के अगेंस्ट होता है, और वो जो लड़ाई और वो देखने को मिलता है, मज़ा आता है, कई सारे उतार चढ़ाव जो देखने को इंटरेस्टिंग लगते। देखिए इसलिए मैंने थोड़ा सा कहानी इसलिए बताई क्योंकि ये कोई टिपिकल साउथ इंडियन फिल्म नहीं है जो हमेशा हर बार कहानी बार बार आप सुनते रहते हो, वैसी नहीं है, इंटरेस्टिंग है, अच्छी लगेगी मुझे लगता है। आप देखिए हिंदी डबिंग फिल्म की काफ़ी बढ़िया है, आप जाके एंजॉय कीजिए, मुझे तो काफ़ी पसंद आई फिल्म। पाँच में से कितने स्टार? पाँच में से मैं जो है फिल्म को 3.5 स्टार दूँ।